ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है, ये किसी प्राइवेट बिल्डिंग नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं राष्ट्रपति, विधिवत कानूनन और जो प्रोटोकॉल बोलते हैं उसके अनुसार से राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए नागरिक प्रथम नागरिक तो है ही, लेकिन संविधान के हैसियत से है, लेकिन उन्होंने नहीं इन्वाइट भी नहीं किया। उद्घाटन करना छोड़ो, ऐसे भी निमंत्रण में नहीं बुलाए, उसका अभी मालूम है। अभी व्हाट्सएप आप एडवोकेट के नाते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, उन्होंने एक ट्वीट करके किया था, शायद आपको जानकारी भी होगा कि 2047 यानी 2047 तक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। क्या इसमें क्या कहते हैं सर? तो नया तो रोज हो रहा है, हर संविधान जिस दिन बना क्या अभी तक वही है, अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन संविधान बदलने की क्या जरूरत है भाई? संविधान का मकसद होना चाहिए ना, संविधान किस लिए बना? तो जो लोग बनाए थे क्या अमेंडमेंट का तो सिद्धांत है, बना हुआ है, कितना अमेंडमेंट हो चुका है। जब जब जरूरत पड़ती है, जो प्रोविजन के खिलाफ है, अगर किसी नया चीज की जरूरत पड़ती है कानून का, तो बनता है, बनता ही रहता है, आए दिन बस हमें सेशन चलता है इसी के लिए। इसलिए ये सब बोलना कि संविधान ही बदल दो, ये गलत। अच्छा, आप अभी क्या लगता है, जैसा कि अभी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में सभी गए, जितने भी पार्लियामेंट में सांसद थे, और वहाँ प्रधानमंत्री मुख्य रूप जो होना चाहिए हाथों में वो ले जाने ही भूल गए, इससे क्या लगता है, इसके पीछे क्या रह जाए? भूल नहीं गए, जान बुझ के, देखिए भूलना अलग है, एक गलती होता है, भूले नहीं, जान बुझ के ले गए, एक गलती होता है, एक बदमाशी होता है, बदमाशी कर रहे हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? जानबूझ इब्राहिम कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है, ये किसी प्राइवेट बिल्डिंग नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं राष्ट्रपति, विधिवत कानूनन और जो प्रोटोकॉल बोलते हैं उसके अनुसार से राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए नागरिक प्रथम नागरिक तो है ही, लेकिन संविधान के हैसियत से है, लेकिन उन्होंने नहीं इन्वाइट भी नहीं किया। उद्घाटन करना छोड़ो, ऐसे भी निमंत्रण में नहीं बुलाए, उसका अभी मालूम हुआ, अभी व्हाट्सएप वगैरह से मालूम हुआ कि पहली बात वो अनुसूचित जाति बिलोंग करती हैं, अनुसूचित जनजाति, और दूसरा विधवा, और ब्राह्मण सिस्टम में विधवा पहले तो बात महिला ही अलाव नहीं है, महिला को रेस्पेक्ट नहीं, पहली बात। दूसरी बात, विधवा को तो बिल्कुल अलाव नहीं है, इसलिए ये शुभ कार्यक्रम था, इसलिए उन्होंने इसलिए करके इनको फंक्शन में ही खड़ा भी नहीं होने के अलाउ किया। ये सिस्टम है, इसका मतलब मनु सिस्टम चल रहा है। नई शिक्षा नीति जान रहे हैं सब, वो सब मकसद है नई शिक्षा नीति के तहत मतलब मानस की भी पढ़ाई होगी। एक लाइन बता देते हैं आपको, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी वही हो रहा है। प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, मुख्यमंत्री बिहार में आपका, तो फिर जिसकी किसकी लाठी आपकी? बता रहे लाठी ब्राह्मण का, खत्म बात। ब्राह्मण तो विशेष बोलिए, ब्राह्मण भारत बोलिए, नहीं तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, भारत बोलते हैं तो लगता है कि हमारा भी भारत है, अरे नहीं, आपका एक ब्राह्मण का लाभ है, किसी राजा महाराज राजपूत हुआ, छत्री हुआ, जाट हुआ, मराठा हुआ, उसका भी कोई गिनती नहीं है। बोलेंगे तो थोड़ा उतना नहीं बोलना चाहिए जितना समझाने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन फिलहाल इतने बताते हैं कि भारत में एक ब्राह्मण के अलावे किसी को रेस्पेक्ट नहीं है।